हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई स्टडी। आशा करुच्ची समस्ते भलरे थिबो ओ एंट्रेंस एग्जाम पे प्रिपेरेशन जोरसोरे चलाइथिबो। आजिर क्लास रे आमे ओएबीएस रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। ऑलरेडी तमरो फर्स्ट डेटा पार्ट रे क्वेश्चन नंबर 13 ने डिस्कशन कर दितलु। आजि पार्ट 3 रे बाकी आउ आपको 20टा क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। ओके, जो मैंने भी से क्लास गुड़ा को करनो चैनल और प्लेलिस्ट मिल जीवो, जितने भी सब मैथ क्लास हुए सब चैनल और प्लेलिस्ट मो ऐड कर दी। ओके, तो चलो देर न करके आज क्लास स्टार्ट करवा। आज फर्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देखो, क्वेश्चन नंबर 31 कौन दे इफ 10 साइन टू दि पावर 4x प्लस कॉस टू दि प्लस 15 कॉस टू दि पावर 4x इक्वल्स टू 6 देन द वैल्यू ऑफ 81 कोसेक टू दि पावर 8x प्लस 8 10 टू दि पावर 6x रो वैल्यू केते होबो बोली से पचार छी। ओके, तो जोटा देछि ताको के सिंपलीफाई कर दबा। हमको क्वेश्चन केते गिवन अछि देखो, करना 10 sin टू दि पावर 4x प्लस 15 cos टू दि पावर 4x इक्वल्स टू 6 अछि। ओके, दिस कैन बी रीराइट एज, तो कोन देछि देखो 10 sin लेफ्ट हैंड साइड ताको एज इट इज रखु छी प्लस 15 cos टू दि पावर 4x इक्वल्स टू या को मुझे लिखी पारि 6 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रो होल स्क्वायर। ओके, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रो वैल्यू 1, तेणुकिना ये 1 आराम से होगा 1 रो स्क्वायर होगा 1। ओके, तो देखो या को जदि मु मैंने एपोर्ट साइड को आने ब्राकेट ओपन करके तो कते आस जीव देखो एटा आसला तुम्हारा कते दिस विल बिकम कते ना या को ब्राकेट ओपन कर दियो कते आसला 10 साइन to the power 4x plus 15 cos to the power 4x equals to kitna 6, this will become sin to the power 4x plus kitna is jiba plus 6 cos to the power 4x plus kitna 12 sin square x into cos square x। एति पर्यंत क्लियर सब गुड़ा को लेफ्ट हैंड साइड को नि आसो, लेफ्ट हैंड साइड को आले केते गेला दिस विल बिकम एटा अछि तमरो 10x टू द पावर 4 माइनस 6 सॉरी 10 sin टू द पावर 4x आ एपटे अछि 6 sin टू द पावर 4x दिस विल बिकम केते लेस लेट तमरो 4 sin टू द पावर 4x प्लस एटा गेला तमरो 15 माइनस 6 व्हिच इज इक्वल्स टू तमरो आसला 9। ओके, दिस विल बिकम 9 cos to the power 4x minus epot ko asla 12 sin square x into cos square x equals to 0। एति के पजंत क्लियर, तो देखो एटा कहारो स्क्वायर रो फार्मूला होची, जदी मु याकु लिखि परबि 2 sin square x plus 3 cos square x रो होल स्क्वायर equals to 0। क्लियर, देखो एटा आसला तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी एटा माइनस हो। ओके, माइनस अच्छी ना माइनस माइनस 2ab 2 रे आसला तुम्हारा 2 इंटु 3 इंटु 2 6 आसला 12 आसीगला। ओके, तो एटा केते आसला ना तुम्हारा देन दिस विल बिकम रूट ओवर उठेले केते आसीगला 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 cos square x इक्वल्स टू केते आसला ना 0। दैट इंप्लाइज आई कैन राइट दिस वन एज 2 sin square x equals to 3 cos square x। क्लियर है कि जाए, तो देखो दिस कैन बी रीराइट एज या को मुझे लिखी पारि sin square x डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू कितना तुम cos square x डिवाइडेड बाय 2। क्लियर, तो देखो या को टिके इनवर्स नै नउची यार या को टिके उल्टे देले केते आसला तुम 3 sin square x इक्वल्स टू जेहेतु कोन मते थी 81 आनिबार अछि। ओके, तो देखो एटा केते आसला ना 2 cos स्क्वायर x। क्लियर, एति की जाय, तो देखो एबे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दियो, क्रॉस मल्टीप्लाई करला कोन केते आछि जोछि देखो जस्ट ए सेकंड। ओके, नाउ या को सॉल्व करले केते आसला 3 cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर x। क्लियर, तो देखो एठी हमको केते दरकार 81, जदि मु बोथ साइड रे टू द पावर 4 नै निए तो कोन ना 3 टू द पावर 4 इक्वल्स टू 81 आराम से आसी गला। तो देखो एटा केते आस जीवो तमरो, ओके एटा तमरो sin 3। ओके, याको एमति करबे जस्ट ए सेकंड, एटी के उल्टा हे गला जेतु तमरो एटी केते छै ना cosec दरकार, तो याको मु लिखि परबी 3/1 sin स्क्वायर x, तो दिस कैन बी रिटन एज 3 cosec स्क्वायर x इक्वल्स टू कितना तुम्हारा 2 sec square x।
ओके एतिक जे क्लियर नाउ टेकिंग टू द पावर 4 बोथ साइड रे नबा तो एटा केते आसी गला तमरो दिस विल बिकम 81 केते आसी गला cosec टू द पावर एटा अछि स्क्वायर अछि इनटू 4 4 2 जा 8 टू द पावर 8x इक्वल्स टू एटा केते आसला ना तमरो 16 sec टू द पावर 8x तो गोटे आसी गला cosec रो वैल्यू आसी गला गोटे तो एबे हमको करना 10 टू द पावर 6 रो वैल्यू दरकार ओके तो देखो याकू जदि मु कोठ बाहर करबे एठी 10 टू द पावर हां एठी देखो तमरो sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर करले एठी तमरो 10 रो वैल्यू आसी जीवो दैट इंप्लाइज कोन हेगला देखो एटा कोन रिड्यूस करले केते आसी जीवो देखो एठी कर दउ छी ओके तो एटा केते आसला तमरो sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x इक्वल्स टू केते ना तमरो आसी गला 3 by 2 that implies tomar korna 10 square x equals to 3 by 2 okay gote ase gala bas ebe taku value put kariar achi to dekho yaku bhi 10 re convert kar dio karna sec to the power 8 ro value amku jana nei kintu 10 au sec ro relation mu janchi kon thila tomar 1 sec square theta equals to 1 plus 10 square theta okay to dekho eti mu put kar paribi 16 into 1 plus 10 स्क्वायर थीटा जगह रे लिखि परबि 3 बाय 2 टू द पावर केतना तमरो 4 ओके तो देखो एटा केते आसे गला तमरो रिड्यूस करले 16 इनटू एटा आसे गला तमरो 2 5 एटा आसे गला तमरो 5 बाय 2 टू द पावर 4 5 टू द पावर 4 तो कले केते तमरो 16 16 कैंसिल हो गला 5 टू द पावर 4 इक्वल्स टू 6 20 5 क्लियर बस एबे ए रिक्वायर्ड इक्वेशन रे पुट कर दियो केते अछि ना हमकू देयर फोर 81 cosec to the power 8x plus 8 10 to the power 6x तो ये केते आसला 81 cosec to the power 8x रो वैल्यू केते अछि 6 25 plus plus तमरो केते अछि देखो 8 10 to the power 6x तो कल्ला खण केते आसला 8 तो 10 10 स्क्वायर अछि 3 by 2 ता माने कोन 3 by 2 to the power 4 तो कले एटा केते आस जीवो तमरो दिस विल बिकम एटा आस गला एटी क्यू ना हम एठी आस जीवो क्यू क्यू कले स्क्वायर 6 होची ओके तो एटा केते आसला तमरो एटी 8 8 कैंसिल हि जीवो तो रहिला केते 6 25 प्लस 8 रो क्यू आसला तमरो 27 व्हिच इज इक्वल्स टू 652 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर क्लियर बुझा पड़ला टिके लेंदी हैला समस्त आउ थरे याकु टिके वीडियो डा पोस्ट करके देखि दबो निजे थरे ट्राई करबो ओके सो क्वेश्चन नंबर 31 रो ऑप्शन नंबर कोडना 2 विल बी द करेक्ट आंसर क्लियर नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखि देखो क्वेश्चन नंबर 32 द कॉस्ट ऑफ टू पेंसिल एंड थ्री सॉरी द कॉस्ट ऑफ टू पेन्स एंड थ्री पेंसिल इज 46 रुपीस नेक्स्ट कौन दी द कॉस्ट ऑफ थ्री पेन एंड फाइव पेंसिल इज 74 रुपीस फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ वन पेन एंड वन पेंसिल ओके लेट्स मु अज्यूम करूछी तमरो कौन ना पेन रो हेगला लेट गोटे पेन रो कॉस्ट हेगला एउडा छोट छुआ वाला प्रॉब्लम गुडा गोटे पेन रो हेगला एक्स पेंसिल रो हेगला केते ना पेंसिल रो हेगला तमरो वाई से कोन दिछि 2 पेन एंड 3 पेंसिल ता माने कोन 2x + 3y इक्वल्स टू 46 सिमिलरली कोन ना 3 पेन माने हेगला 3x एटा हेला गोटे पेन रो 1 पेन रो प्राइस टा दिछि एटा अछि 1 पेंसिल रो प्राइस टा ओके तडे कोन आसला 3 पेन रो आसला 3x + 5 पेंसिल रो आसला 5y इक्वल्स टू 74 क्लियर तो देखो याकु बस एबे इक्वेशन सॉल्व करियार अछि एटा केते आसी गला दिस कैन बी रीराइट एज 2x + 3y - 46 इक्वल्स टू 0 और केते ना तमरो 3x + 5y - 74 इक्वल्स टू 0 को भी मेथड यूज करके तमे कैंसिलेशन हो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एलिमिनेशन कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोटा भी यूज करके तमे आराम से सॉल्व कर परबा मोरे तुमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर ता कह दउछी ओके तो कते आस जीवो दिस विल बिकम x डिवाइडेड बाय कोना 3 इनटू -74 इक्वल्स टू केते आसला -222 माइनस माइनस आस जीवो प्लस प्लस 46 इनटू 5 प्लस 46 इनटू 5 केते आसला ना 230 ओके equals to y divided by y रो केते आसी जीवो तमरो एपोटु minus 46 into 3 equals to minus 138 minus minus केते जीवो 2 into minus 74 equals to minus
148 तो कोला कोन एटेस गला केते ना प्लस 148 इक्वल्स टू केते 1 डिवाइडेड बाय एटा 5 2 जा 10 माइनस 3 3 जा 9 ओके तो एटा केते आसेला ना दिस विल बिकम x इक्वल्स टू 8 एंड y इक्वल्स टू आसीबो तमरो 10 से हमको क्वेश्चन रे कोन पचर छी द टोटल कॉस्ट ऑफ वन पेन एंड वन पेंसिल ता माने कोन x प्लस y रो वैल्यू केते हबो बोली पचर छी तो केते आसला 10 प्लस 8 इक्वल्स टू 18 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर सो क्वेश्चन नंबर 32 रो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर ओके नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिसि देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 m स्क्वायर mq अछि ओके 10 mq प्लस 3 m स्क्वायर माइनस 5 m माइनस 279 इफ 2 m कॉमा माइनस m इज द सॉल्यूशन ऑफ कारणा 15x माइनस 13y इक्वल्स टू 51 से हमको कोन दिछि जो 2 m आउ माइनस m एटा कहारो सॉल्यूशन ना 15x माइ प्लस 13y equals to 51 रो एटा सॉल्यूशन बोली दिछि यार हम गोटे इक्वेशन रो सॉल्यूशन माने कोन जदी हमें xy जगह रे ए वैल्यू गुडा पुट करबा देन डेफिनेटली इट विल सटिस्फाई द इक्वेशन त माने कोन एटा हेगला तमरो x रो वैल्यू एटा हेगला तमरो y रो वैल्यू xy जगह रे पुट करो तो केते आसला ना दिस विल बिकम 30m माइनस केते ना 13m equals to 51 क्लियर तरे केते आसला तमरो 17m equals to 51 दैट इंप्लाइज m रो वैल्यू आसी गला केते ना 3 एबे आराम से यार जो एक्सप्रेशन रे दिछि तुमको कोन ना 10 m क्यूब प्लस 3 m स्क्वायर माइनस 5 m माइनस 279 यार एबे m रो तो वैल्यू मिलि गला बस m जगह रे पुट करिक कोन ना वैल्यू बाहर करिया रछि त एटा m कोला कोन केते आसला क्यूब 270 प्लस 27 माइनस 15 माइनस 279 तो कोला कोन एटा केते आसी जबो तमरो आसी गला 297 माइनस 294 व्हिच इज इक्वल्स टू 3 will be the required answer. बस तुमको ए जगह कौन का ढेर थिला ना x y रो solution जे है तो then it will definitely satisfy the linear equation. Okay? So question number 33 रो option number 4 will be the correct answer. Okay? Now moving to next question. Next question कौन अच्छे देखो? For which value of p the system of equation x plus py minus 4 equals to 0 and 2x plus 4y minus 12 equals to 0 has no solution. तो देखो आमर जदी जते गोटे सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे छी लेट सपोज a1x plus b1y plus c1 equals to 0 आ गोटे इक्वेशन दे छी a2x plus b2y plus c2 equals to 0 दे छी दे हमको कोन दे छी no solution पई हमर कंडीशन कोन थिला a1 by a2 equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2 हुए then the system of equation has no solution तो हमको कोन एटी p रो वैल्यू काढिया को कहि छी सो दैट करना ए जो दीटा सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे छी यारो सॉल्यूशन होबो नै तो देखो एटा केते आसी गेलो तमरो 1 by 2 equals to करना p by 4 that implies p equals to 2 will be the required answer. मने थिले बस 30 second रे answer ही जिवो. Clear? So question number 34 रो option number 3 will be the correct answer. Okay. Now moving to next question. Next question कौन दीछे देखो? Two right angle triangle with length of sides 3, 4, 5 are arranged with one common side to a quadrilateral. फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलैटरल फॉर्म से कोन कहि छी ना गोटे ट्रायंगल टे राइट एंगल ट्रायंगल टे नबा जहारो की साइड गुडा केते केते अछि ना 3 4 आउ 5 ओके ता सहित ताकु ही गोटे कॉमन रखी की आ गोटे ट्रायंगल टे करा हला तारो भी साइड केते अछि ना 3 4 एटा आसी गला तमरो 5 एई जो तमरो क्वाड्रिलैटरल टा ए बी सी डी ए बी सी डी जो क्वाड्रिलैटरल टा फॉर्म हला दिस डेफिनेटली बी ए कोन हि जीवन ना तमरो रेक्टेंगल एठे लिखि दउ छी देखो इट विल फॉर्म ए
rectangle. It will form a rectangle. तो कौन हमको क्वेश्चन कौन पचाची area of the quadrilateral form तो यारो area कौन ही जीवो area will be length into breadth equals to 12 unit square. So question number 35 रो option number 4 will be the correct answer. Okay. Now moving to next question. Next question कौन देखी देखो ये जो तुम्हारा system of equation रे जो तुम्हारे unique solution है गला infinite solution no solution याकू base परी सबु वर्षों बहुत से question ऐसे बस तीन टा condition देखे रचे that's it okay इडी मुझे लिखी दोची देखो तुमको तीन टा condition so that कौन recall करिया रे easy होगा कौन ची देखो let's suppose तुम्हारा गोटे equation है ला a1x plus b1y plus c1 equals to 0 आगुटे है ला तुम्हारा a2x plus b2y plus c2 equals to 0 okay let's हमको first condition कौन है ला if a1 by a2 is not equals to b1 by b2 then we can say that exactly one solution ता माने कौन से solution टा कौन होगा ना unique solution clear second condition कौन है ला एबे टिके अगर पढ़ लो कौन a1 by a2 equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2 then we can say that the system of equation has no solution clear बस third condition कौन अच्छी third condition है गला a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2 then we can say that there are infinitely many solutions okay tinda condition mon rahila ebe chalo apply kariya eta kon he gala this will become ethire dekho ethire bahar kale a1 ba kete asla 1 by 2 equals to eta bhi as gala tomaro as jibo 1 by 2 is not equals to कोणना तुम्हारा केते आसीबो तुम्हारा एटा 4 माने एटा आसला तुम्हारा 1/3 ओके तो को कंडीशन सैटिस्फाई कोची देखो a1 by a2 equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2 सो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन सो 1 रहिगला 3 नेक्स्ट देखो या पई केते हेगला एठी आसीगला तुम्हारा केते 1/3 एठी नेक्स्ट कोण आसला तुम्हारा देखो इज नॉट इक्वल्स टू कोणना -1/2 ओके एटा इज नॉट एटा को छाडी दियो तो कोन आसला देखो a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2 a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2 हेले कोन होए ना एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन सो 2 रो तर परफेक्ट मैच कोटा हबो ना एटा ओके नेक्स्ट देखो ए तो गोटे ही रहला फिर भी चेक कर दउ छी एटा केते आसला तमरो देखो 5 by 10 इक्वल्स टू 2 by 4 इक्वल्स टू 10 by 20 ओला कोन देखो सबुरे केते आछी 1 by 2 इक्वल्स टू 1 by 2 इक्वल्स टू 1 by 2 तो कोन ना a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2 हेले कोन होए ना इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन सो 3 रो परफेक्ट मैच हैला बी कोठी आछी देखो 1 रो सी 2 रो बी सॉरी 1 रो सी 2 रो ए आउ 3 रो बी विल बी द राइट आंसर क्लियर बुझा पडला समस्तंकर युपरे कंक्रीट आईडिया हेगला सो क्वेश्चन नंबर 36 रो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर ओके नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कते दिछे देखो इफ log x बेस 5 प्लस log x माइनस 24 बेस 5 इक्वल्स टू 2 देन x रो वैल्यू फाइंड करया रछि तो देखो समस्त जानिछो log m प्लस log n रो कोन हुए log m n करेक्ट तो देखो याकु लेखिले कोन हिजबो तमरो log x into x माइनस 24 केते ना बेस 5 इक्वल्स टू 2 क्लियर तो दिस कैन बी राइट एस केते गला ना x into x माइनस 24 इक्वल्स टू केते ना 5 रो स्क्वायर इक्वल्स टू 25 क्लियर बस एबे तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसीला याकू सॉल्व करया रछि तो सो एटा को ओपन करले केते आसीला तुम्हारा x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 25 इक्वल्स टू 0 तो कोन हेला ना x स्क्वायर माइनस 25x प्लस x माइनस 25 इक्वल्स टू 0 तो कोन आसीला ना x कॉमन गले x माइनस 25 प्लस 1 कॉमन गले x माइनस 25 equals to 0 that implies x रो वैल्यू गोटे आसीला 25
आ गोटे आसला माइनस वन तो देख ये तुम 25 ही अच्छी सो क्वेश्चन नंबर 37 रो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर क्लियर बुझा पड़ा समस्त को ना मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दे देख डैश इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट 4, -4 4, -4 तुम्हारे को क्वाड्रेंट रही है ये गला 4, लेट सपोज ये आसा पॉइंटा विथ कोऑर्डिनेट 4, -4 से कही याठू एक्स एक्सीस मैंने जो एक्स एक्सीस टू 4 यूनिट डिस्टेंस रे थिबा ए पॉइंटटार कोऑर्डिनेट केता हबो डेफिनेटली इट विल बी 4, 0 क्लियर सो क्वेश्चन नंबर 38 रो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर ओके नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देख कन्वर्ट 2 3.262626 इनटू रेशनल फ्रैक्शन को हमको कन्वर्ट करियार अछि तो देखो एटा केते अछि तमरो दिस कैन बी रीराइट एज 3.26 उपरे बार ओके तो देखो एटा केते आसी गला 326 माइनस जहा उपरे बार नै फर्स्ट लिखिबो टोटल नंबर ता 326 लिखिलो नेक्स्ट जहा उपरे बार नै हे गला 3 डिवाइडेड बाय न जतेटा उपरे बार अछि सेतेटा 9 तो आसी गला एठी तमरो 9 दीटा संख्या उपरे बार अछि तो दीटा 9 तो याकु तमरो कले केते आसी गला ना तमरो 323 डिवाइडेड बाय 99 सो क्वेश्चन नंबर 39 रो ऑप्शन नंबर जितना 3 विल बी द करेक्ट आंसर नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 कौन देछि देखो द वैल्यू ऑफ x एंड y व्हिच सैटिस्फाई द सिस्टम ऑफ इक्वेशन qx + ry = 2p + q एंड दिस वन ओके तो देखो इथरे कोन दीटा इक्वेशन देछि याकु सॉल्व करके हमको x औ y रो वैल्यू काढियार अछि लेट्स सपोज एटा हे गला तमरो इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन 2 ओके इक्वेशन 2 को ठीक है सिंपलीफाई करवा एथरे देखो जदी तमरो p कॉमन नउ छी p जदी मो एथरे कॉमन नेले p केते हे गला p * एटी तमरो केते हे गला एलसीएम जीव तमरो केते p + q * p - q करेक्ट तो देखो एटी केते आसला तमरो एटी आसी गला तमरो p + q - p + q ओके * x प्लस प्लस एथिरो आर कॉमन गले केते हे गला आर कॉमन गले हला आर इनटू एटी एलसीएम जीव तमरो क्यू माइनस पी इनटू क्यू प्लस पी तो केते हला एटा हे गला तमरो क्यू प्लस पी माइनस क्यू प्लस पी क्लियर इनटू तमरो एपोर्ट साइड ता एज इट इज रखी दउची इनटू वाई ता छाडी गला इनटू एटा आसी गला केते ना 2p इनटू 2p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओके तो देखो याकू सॉल्व करले आसला तमरो एठी पी टा कैंसिल हे गला तो केते आसला 2p केते आसीबो तमरो देखो 2p क्यू एक्स डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस प्लस एटा केते आसीबो तमरो 2p आर वाई डिवाइडेड बाय केते ना क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू केते जीवो तमरो एटा लेफ्ट राइट हैंड साइड ता एज इट इज केते आसला 2p * 2p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओके तो जदि एथि मु पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एथि तमरो एलसीएम जीवो तमरो एलसीएम गला एथि केते पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इट इंप्लाइज दैट हबो ओके इंप्लाइज दैट तो एटा केते आसला 2p qx माइनस और ना 2p ry इक्वल्स टू केते ना 2p * 2p माइनस q डिवाइडेड बाय p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर एटी p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बोथ साइड कॉमन अछि कैंसिल हे गला आ गोटे देखो एठी भी तमरो 2p टे अछि एठी भी 2p अछि एठी भी 2p अछि कैंसिल हे गला तो केते आसला फाइनल इक्वेशन विल बी qx माइनस ry equals to itna 2p minus q clear next now equation 1 and 3 adding equation 1 and 3 equation 1 aur 3 ko add kare kete gala dekho tumaro 2qx will be equals to tumaro eti q da cancel he jibo eta asila tumaro kete na as jibo tumaro 4p that implies tumko x ro value kadi aro chi to x ro value asigala kete na 4p divided by 2q equals to
2p by q एटा आसी गला तमरो x रो वैल्यू तो देखो 2p by q माने इक्वेशन 1 कैंसिल हे गला इक्वेशन सॉरी माने ऑप्शन 1 कैंसिल हे गला ऑप्शन 2 कैंसिल हे गला तो ऑप्शन 3 आउ 4 भितरो गोटे होबो तो को भी इक्वेशन रे गोटे पुट कर दियो इक्वेशन रे पुट करले केते आसला देखो तमरो केते ना मु पुट करू छी याकु नेगिना ए इक्वेशन रे पुट कर दउ छी ठीक अछि तो पुटिंग इन इक्वेशन ओके इक्वेशन 1 पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 और 3 को रिपुट करले हो इक्वेशन 1 रे पुट कर दउ छी मु तो केते हला q x जगह रे केते पुट करबी 2p by q प्लस प्लस केते ry as it is equals to 2p plus q ओके एथि रो q q कैंसिल हे गला 2p बोथ साइड रे अछि तो y रो कोन हे गला ना ry equals to q दैट इंप्लाइज y equals to q by r तो x रो वैल्यू आसीला 2p by q आउ y रो वैल्यू आसी गला q by r सो द सॉल्यूशन इज 2p by q आउ q by r विल बी द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सो क्वेश्चन नंबर 40 रो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर क्लियर बुझा पडला बस टिके पार्ट को कैलकुलेशन अछि दैट्स इट ओके नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिछि देखो तमर क्वेश्चन नंबर 41 कोन अछि log cosec 1 डिग्री प्लस log cosec 2 डिग्री अप टू log cosec 89 डिग्री प्लस कोन दिछि प्लस 10 1 log 10 1 डिग्री प्लस log 10 2 डिग्री अप टू log 10 89 डिग्री माइनस एटा सेक रो से भेला दिछि तो देखो याकू के दिस कैन बी रीराइट एज सेक को देखो मैं याकू लिख परबी एमती तो कोन थला तमरो log m प्लस log n अप टू जते जेमिति हो याकू केमिति लिख परबी log m into n ओके तो देखो एटा केते आसी गला तमरो दिस विल बिकम log cosec cosec अछि ना फर्स्ट रे हम cosec 1 डिग्री into cosec 2 डिग्री अप टू केते जाय ना cosec 89 डिग्री ओके प्लस प्लस कोन हे गला ना प्लस log log केते आसला 10 1 डिग्री into 10 2 डिग्री अप टू केते जाय जीवो ना 10 89 डिग्री क्लियर माइनस माइनस कोन हे जीवो log log sec 1 डिग्री into sec 2 डिग्री अप टू केते जाय ना sec 89 डिग्री जाय होबो ओके तो देखो एटा को नोटिस करो log cosec 1 डिग्री into cosec 2 डिग्री अप टू cosec 89 डिग्री याकू एटी इक्वल्स टू देखिना लुक्छि तो कोन हि जबो दिस कैन बी रिटन एज देखो एठी आसीला cosec 1 डिग्री जगह रे केते लिख परबी 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री क्लियर 1 डिग्री जगह रे मु केते लिखली cosec 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री इनटू इनटू केते हे गला तमरो cosec 2 टाकु लेखुची मु cosec केते हे गला 90 डिग्री माइनस 88 डिग्री ओके सिमिलरली 89 को लिखि परबी cosec 90 माइनस केते ना 1 डिग्री क्लियर एति की पजंत कहरी किछि कन्फ्यूजन नाही बाकी रेस्ट पार्ट log केते ना 10 1 डिग्री 2 केते जाय छि 10 89 डिग्री एज इट इज एंड नेक्स्ट वन इज माइनस log sec 1 डिग्री अप टू sec 89 डिग्री एज इट इज क्लियर एति की जाय तो देखो एटी तमरो कोन आसला log 90 डिग्री माइनस थीटा कोन हि जीवो sec थीटा कोन होए एटे तो 9 sec सॉरी cosec 90 डिग्री माइनस थीटा ओके cosec 90 डिग्री माइनस थीटा माने को क्वाड्रेंट को आसला तमरो फर्स्ट क्वाड्रेंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट रे कोन होए ऑल पॉजिटिव एठी जेतु तमरो 90 अछि तो cosटा कोन हि जीवो ना sec थीटा क्लियर एटा यूज हला cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू sec थीटा तो एठी पुट करले केते आसी गला तमरो देखो log एठी आसला तमरो sec 89 डिग्री इनटू sec 88 डिग्री अप टू केते जाय जीवो ना sec 1 डिग्री ओके प्लस प्लस रे कोन अछि log 10 1 डिग्री इनटू 10 2 डिग्री अप टू केते जाय ना 10 89 डिग्री 80 ना सॉरी 98 डिग्री ओके 89 अछि ना ओके सॉरी हां
89 डिग्री क्लियर माइनस माइनस रे कौन आसला देखो एठी लॉग याको मु लिखि परबी sec 89 डिग्री इनटू आगो पछे करके लिखले प्रोडक्ट किछ असुविधा नै तो कौन आसला sec 88 डिग्री अप टू केते जाय जीवो ना sec 1 डिग्री तो देखो एटा तमरो नेगेटिव अछि एटा तमरो अछि पॉजिटिव साइन रे सो ईच अदर को एटा पॉजिटिव को एटा नेगेटिव कैंसिल हेला तो रहिला केते बस तमो पाखरे log 10 1 डिग्री इनटू 10 2 डिग्री अप टू 10 89 डिग्री ओके तो देखो जदी एउडा को मु सब उडा को कन्वर्ट करू छी तो कोन हेला ना log याको मु लेखि परबी तो देखो 10 90 माइनस 89 डिग्री ओके इनटू 10 90 माइनस 88 डिग्री अप टू याको मु लेखु छी केते जाय ना 10 45 गुटे मझिर आसीबो देखो 2 रु 89 गला भितर 45 गुटे आसीबो तो कोन आसला 9 cos 90 माइनस 45 डिग्री बाकी गुडा को एजटीज लेखु छी एठी गला 10 46 डिग्री देन अप टू 10 89 डिग्री क्लियर तो देखो एरा तमरो कोन थिला एपोटी टिके रिकॉल करो एठी लिख दउ छी 10 90 माइनस थीटा कोन होतला सब बेले तमरो cot थीटा क्लियर तो एटा केते आसी गला तमरो देखो log एठी आसी जबो तमरो cot 89 डिग्री नेक्स्ट आसी गला cot 88 डिग्री अप टू केते जाय जबो ना cot तमरो केते आसीला तमरो एठी cot 45 डिग्री ओके अप टू एटा तमरो केते आसी जबो ना 10 89 डिग्री तो देखो सबुरे तमरो एठी 10 एटा cot टाको मु लिखि परबी 1 / 10 89 तो 10 89 10 89 तमरो एठी सबु सबु गुडा तमरो कैंसिल आउट हे जबो बस रहिबो केते ना तमरो cot 45 डिग्री तो केते आसीला तमरो cot 45 रो वैल्यू 1 तो log 1 आसीला log 1 आसीला 0 तो क्वेश्चन नंबर 41 रो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर क्लियर नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिछि देखो द वैल्यू ऑफ दिस वन यारो वैल्यू केते अछि तो देखो 1 टू द पावर 101 तो एटा तमरो 1 रो कोन हि जबो 1 ही आसीबो प्लस प्लस देखो माइनस उपरे तमरो ऑड पावर सॉरी इवन पावर अछि इवन पावर हेले कोन होय देखो एटी माइनस 1 टू द रो स्क्वायर कोले केते आसी जबो तमरो 1 आउ माइनस 1 रो क्यू कोले केते आसी जबो माइनस 1 तो एटी तमरो कोन अछि ऑड इवन पावर अछि इवन पावर आसला माने एटी आसला प्लस 1 प्लस प्लस 1 माइनस 1 यदि तमर कैंसिल हे गला तो रहिला केते ना 2 विल बी द आंसर सो क्वेश्चन नंबर 42 रो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिछि देखो इफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज रिड्यूस बाय 1/3 टाइम्स एंड 1/5 टाइम्स रेस्पेक्टिवली त माने कोन तमरो ओरिजिनल रेडियस थिला r ताकु रिड्यूस करा हिछि 1/3 आर करा हैला h थिला तमरो हाइट ताकु रिड्यूस करा हिछि 1/5h ओके रेस्पेक्टिवली देन द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज रिड्यूस बाय हमें जानिछु वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ कोन केते हबो कोन विल बी इक्वल्स टू केते ना पाई r स्क्वायर h जो हमें रिड्यूस वॉल्यूम ता कोलु लेट्स सपोज ताकु कोलु v2 v2 ता केते हि जबो पाई r स्क्वायर जगह रे 1/9 r स्क्वायर इनटू 1/25h as it is तो एटा से गला केते 1/r स्क्वायर 1/pi r स्क्वायर h सॉरी सॉरी एठी गला 1h जगह रे रहइबो तमरो 1/5h ओके तो केते आसला तमरो देखो 1/45 pi r स्क्वायर h तो एठी तमरो pi r स्क्वायर h थिला ओरिजिनल वॉल्यूम टा लेट सपोज एटा हे गला तमरो v1 सो v1 केते हला 1/40 v2 विल बी 1/45 टाइम्स ऑफ v1 सो क्वेश्चन नंबर 43 रो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर बस एठी तमरो इंपोर्टेंट जिंस होला वॉल्यूम ऑफ द कोन सबले कोन होय फार्मूला टा पाई आर स्क्वायर एच मेंसुरेशन रो जति कि भी इंपोर्टेंट फार्मूला हे गला तमरो कोन रो हे गला तमरो बाकी रहला सिलेंडर रो तारो सरफेस एरिया लैटरल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम ए तीनटा बस देखिया रहछि लैटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया तापर टोटल सरफेस एरिया तापर वॉल्यूम या ऊपर बेस कर के भी बहुत सारा क्वेश्चंस आस्ता है क्लियर नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिछि देखो इफ द पॉइंट माइनस 4.6 divides internally the line segment joining the point ए दीटा point को join कर ची केते केते ना तमर अच्छी केते minus 6, 10 आउ ये पटे अच्छी x y ये इन मजिरा गोटे point अच्छी let's suppose a
ବି ମଝିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟଟା ଅଛି ଓ ପଏଣ୍ଟଟା, ଯୋଉଟାକି ଏଇ ଦୁଇଟା ଲାଇନକୁ ମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ଯୋଉ ଲାଇନଟା ଜଏନ୍ କରୁଛି ତାକୁ କେତେ ରେସିଓରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରୁଛି ନା 2:7। ଜାଣିସାରିବ ଏଇଟା କୋଉ ଫର୍ମୁଲା ପଡ଼ିବ ତମର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଡିଭିଜନର ଫର୍ମୁଲା। ତ ଦେଖ ଏଇଟା ତମର ୟାର କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ ଦେଇଦେଇଛି କେତେ ନା -4.6। ଓକେ, ତ ତମର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଡିଭିଜନର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଥିଲା ତମର ରିକଲ୍ କର, ଏମ୍ ଏକ୍ସ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ସ ୱାନ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଏମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏନ୍। ଓକେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ ହବ, ତାର ୱାଇ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ଟା ହବ ଏମ୍ ୱାଇ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଏନ୍ ୱାଇ ୱାନ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଏମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏନ୍। ଓକେ, ତ ଦେଖ ଏଇଟା କେତେ ଆସିଲା ତମର, ଦିସ୍ ୱିଲ୍ ବିକମ୍ କେତେ ହେଇଯିବ ତମର ଦେଖ ଟୁ ଏମ୍, ଓକେ ଏମ୍ ଏକ୍ସ ଟୁ, ଏମ୍ ଏଇଟା ଆସିଗଲା ତମର ଏକ୍ସ ୱାନ୍ ୱାଇ ୱାନ୍, ଏଇଟା ଆସିଗଲା ତମର ଏକ୍ସ ଟୁ ୱାଇ ଟୁ। ତ କ'ଣ ଅଛି ଏମ୍ ଏକ୍ସ ଟୁ, ତାମାନେ କ'ଣ 2x ମାଇନସ ମାଇନସ କେତେ ତମର 2x ପ୍ଲସ ପ୍ଲସ କେତେ 6 7 ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ 6 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଆସିଲା ତମର -45। ତ ଆସିଲା 2x ମାଇନସ 45 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 9 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କେତେ ନା -4। ଦେଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ କେତେ ଆସିଲା ତମର 2x ମାଇନସ 42 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କେତେ ଆସିଲା ତମର, ଏଇଟା ଆସିଯିବ ତମର କେତେ ନା -36। ଦେଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ତମର ଏକ୍ସ ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ଆସିଗଲା ନା ଏକ୍ସ ଭାଲ୍ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 3। କ୍ଲିୟର ଏତିକି ଯାଏଁ। ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ୱାଇ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ଟା, ୱାଇ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ଟା କେତେ ଆସିଯିବ ତମର, ୱାଇ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ ହେଇଗଲା ତମର 2y ମାଇନସ ସରି 2y ପ୍ଲସ୍ 70 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କେତେ ଆସିଯିବ ତମର, ଏଇଟା 9 କେତେ ଅଛି 6 ଅଛି ନା, ତ ଏଠି ଆସିଗଲା ତମର 54। 6 ଇଣ୍ଟୁ 9 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ତମର କେତେ ଆସିଲା ନା 2y ପ୍ଲସ୍ 70 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଆସିଲା 54। ଦେଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ତମର ୱାଇ ର ଭାଲ୍ୟୁ ଆସିଯିବ -8। ଆମକୁ କାହାର ଭାଲ୍ୟୁ କାଢ଼ିବାର ଅଛି, ଏକ୍ସ କ୍ୟୁ ମାଇନସ୍ ୱାଇ କ୍ୟୁ। ଏକ୍ସ କ୍ୟୁ ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହେଇଗଲା 3 ର ହୋଲ୍ କ୍ୟୁବ୍ ମାଇନସ୍ ୟାର ଆସିଗଲା -8 ର ହୋଲ୍ କ୍ୟୁବ୍। ଦେଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଏଇଟା ଆସିଗଲା ତମର 3 ର ହୋଲ୍ କ୍ୟୁବ୍ ଆସିଗଲା 27 ପ୍ଲସ୍ 8 ର ହେଲା 512। ଓକେ, ତ ପ୍ଲସ୍ 512 ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ତମର କେତେ ଆସିଲା ନା 539 ୱିଲ୍ ବି ଦ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଆନ୍ସର। କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖ, ସୋ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 44 ର ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 2 ୱିଲ୍ ବି ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ନାଓ ମୁଭିଂ ଟୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, କାହାର ଭାଲ୍ୟୁ କାଢ଼ିବାର ଅଛି, ସାଇନ୍ 80° ମାଇନସ୍ କସ୍ 80° ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହବ। ତ ଲେଟ୍ ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ରୁଟ୍ ଟୁ ଟେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ରୁଟ୍ ଟୁ ଟେ ଡିଭାଇଡ୍ କରୁଛି। ତ ରୁଟ୍ ଟୁ ଡିଭାଇଡ୍ କଲେ କ'ଣ, ରୁଟ୍ ଟୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲି ତ କ'ଣ ହେଲା ନା 1/√2 ସାଇନ୍ 80° ମାଇନସ୍ 1/√2 କସ୍ 80°। କ୍ଲିୟର, ତ ଏଇଟା ଦେଖ ଦିସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ରିଟର୍ନ ଏଜ୍ କେତେ ଆସିଲା ତମର ରୁଟ୍ ଟୁ କେତେ ଆସିଯିବ ତମର, ଏଇଟା ହେଇଗଲା ସାଇନ୍ 80° ଇଣ୍ଟୁ କେତେ ନା କସ୍, କସ୍ ର କୋଉ ଭାଲ୍ୟୁଟା 45। ଓକେ, ତ ଆସିଲା ତମର କେତେ କସ୍ 45 ମାଇନସ୍ କେତେ ନା ସାଇନ୍ 45 ଇଣ୍ଟୁ କ'ଣ ନା କସ୍ 80। କ୍ଲିୟର, ତ ଏଇଟା କାହାର ଫର୍ମୁଲା ହେଇଗଲା ତମର ସାଇନ୍ ଏ ମାଇନସ୍ ବି, ତ କେତେ ଆସିଲା ରୁଟ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ ଏ ଜାଗାରେ ଆସିଲା 80° ମାଇନସ୍ ବି ଆସିଲା ତମର 45°। ଦେଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ କେତେ ଆସିଲା ନା ରୁଟ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ 35° ୱିଲ୍ ବି ଦ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଆନ୍ସର। ସୋ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 45 ର ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 4 ୱିଲ୍ ବି ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନାଓ ମୁଭିଂ ଟୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଇଫ୍ ଏ ରାଣ୍ଡମ୍ ଭେରିଏବୁଲ ଇନକ୍ରିଜ ହ୍ୱେନ୍ ଦ ଅଦର ରାଣ୍ଡମ୍ ଭେରିଏବୁଲ ଇଜ୍ ଡିକ୍ରିଜ ଦେନ୍ ଦେଆର୍ କୋରିଲେସନ୍ କୋଫିସିଏଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି, କୋଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ କୋରିଲେସନ୍ କେତେ ହବ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାଉ, ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ରାଣ୍ଡମ୍ ଭେରିଏବୁଲ ଇନକ୍ରିଜ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ରାଣ୍ଡମ୍ ଭେରିଏବୁଲ ଡିକ୍ରିଜ ହେଉଛି। ଦେଖ ଏଠି କିଛି ଡାଟା ଦେଇନି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖ, କୋରିଲେସନ୍ କୋଫିସିଏଣ୍ଟ କେତେ ହବ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ ରାଣ୍ଡମ୍ ଭେରିଏବୁଲ ଇନକ୍ରିଜ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଣ୍ଡମ୍ ଭେରିଏବୁଲ ଡିକ୍ରିଜ ହବ ତାଙ୍କର କୋରିଲେସନ୍ କୋଫିସିଏଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଆସିବ ନା ନେଗେଟିଭରେ ଆସିବ। ତ ଦେଖ ବାକି ଅପ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାରେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାରେ ପଜିଟିଭ ଅଛି, ବାସ୍ ତମର ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 1 ନେଗେଟିଭ ଅଛି। ସୋ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 46 ର ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 1 ୱିଲ୍ ବି ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କ୍ଲିୟର, ନାଓ ମୁଭିଂ ଟୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଦେଆର୍ ଆର୍ ସମ୍ ସ୍କ୍ୱାରେଲ ଆଣ୍ଡ ପେରଟ୍ ଇନ୍ ଏ ଜୁ, ଦ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଦେୟାର ହେଡ୍ସ ଇଜ୍ 57 ଆଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଦେୟାର ଲେଗ୍ସ ଇଜ୍ 164, ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସ୍କ୍ୱାରେଲ କେତେଟେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଲେଟ୍ ସପୋଜ୍ ଆମର ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସ୍କ୍ୱାରେଲ ଅଛି ଏକ୍ସ ଆଉ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରଟ୍ ହେଇଗଲା ତମର ୱାଇ। ତାଙ୍କୁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଦ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ହେଡ୍, ତ ଇଚ୍ ର ଗୋଟେ ହିଁ ହେଡ୍ ଥିବ ତ କେତେ ଆସିଗଲା ଏକ୍ସ
प्लस वाई इक्वल्स टू 57, ओके 57, नेक्स्ट कौन दीची, द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 164, तो देखो स्क्वायरल रो केतेटा लेग थाय, चारिटा, गोटे स्क्वायरल रो चारिटा लेग हेले, चारि एक्स टा स्क्वायरल रो केतेटा लेग हि जिवो 4x टा प्लस प्लस केते हे गला 4y इक्वल्स टू केते अछि ना तमरो 164, बस दीटा इक्वेशन आसी गला, एबे दीटा वेरिएबल सॉल्व करियार अछि, आउ किछि नै। तो देखो याकु एथिरे 2 कॉमन नै होबो, 2 कॉमन नेले आसी गला तमर, सॉरी एटा गोटे कोन पेरोट रो दीटा लेग ना, तो एठी आसी गला 2y, तो देखो एठी 2 कॉमन नेले आसी गला 2x प्लस y इक्वल्स टू 82, ओके नाउ इक्वेशन 1 आउ 2 को सॉल्व करछि, इक्वेशन 1 आउ 2 रु सबट्रैक्ट कर दोछि, तो केते आसीला तमर देखो 2x प्लस y इक्वल्स टू 82, आउ एठी आसीला तमर कोन ना x प्लस y इक्वल्स टू हला 57, तो साइन चेंज हो, साइन चेंज हला, तो एठी तमर x कैंसिल हे गला, 2x माइनस x इक्वल्स टू आसीला 25। सेमपु क्वेश्चन कोन पचैथिला टोटल नंबर ऑफ स्क्वायरल, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायरल हम कोन नीतलु x, सो x रो वैल्यू आसी गला, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायरल इज 25, सो क्वेश्चन नंबर 47 रो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर, ओके मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिछि देखो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस m रो मॉड इक्वल्स टू 0 हेज रियल रूट्स, एडा तर की पॉइंट ता हे गला, ए रियल रूट्स ता how many integer value can m take, m रो केतेटा इंटीजर वैल्यू हबो, हमें जानिचू रियल रूट्स कहिले कोन, रियल रूट्स कहिले तमरो इफ द d रो वैल्यू जदी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हुए, देन वी कैन से दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज ए रियल रूट्स, सो इफ d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 देन ओनली वी कैन से दैट, तो कोन ना तबर को ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन रो रियल रूट्स हो, ओके डी रो वैल्यू कोन b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac कोला कोन आसला 9 माइनस 4m रो मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दैट इंप्लाइज माइनस 4m रो मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 9 माइनस 1 टे मल्टीप्लाई करले केते हे गला 4 रो मॉड इज लेस देन इक्वल्स टू 9 करेक्ट, तो कौन है लाना that implies m रो mod is less than equals to 9/4, this can be rewrite as कौन ही जीवो mod अच्छी अने यारो वैल्यू टा सब डे lies कहाँ का भीतर करीबो minus 9/4 is less than m रो mod is sorry m is less than 9/4, okay तो देखो याकु तो कले केते जीवो that implies this will become minus 2.25 is less than equals to m is less than equals to kona plus 2.5, okay to dekho jo amko kon pochachi na m ro keteta integral value hobo, m ro value sob bele kon hobo na minus 2.5 ru bodo au plus 2.25 ru sob bele kon na choto hobo, to dekho eta asila tamaro minus 2 next tamaro epote thibo tamaro minus 2.5 kuti gote thibo minus 2.25 then minus 2 minus 1 0, 1, 2, एटा ही गला तमरो कौन ना, plus 2.25, तो कौन ना, m रो भेलू टा लाई करू छी, या भित्रे, minus 2.25 रो, 2.25 भित्रे, से आमको question कौन पचे छी, how many integer value m can take, आमको integer दरकार, तामने कौन, it can be minus 2, minus 1, 0, 1, 2, so it can take 5 integer value, so question number 48 ro option number 3 will be the correct answer, okay now moving to next question, next question kon dechi dekho 4 years ago a mother was 9 times age old age her son, 4 years later her age will be 8 years more than 3 times the age of the son, find the present age of son mother and son respectively, let's suppose tankaro present age hochi present age mother ro huchi tamaro ketena x year au son ro huchi tamaro ketena y year, first ko dekho kon dichi na 4 years ago mother ro age kete thibo x minus 4 equals to kon hibo 4 years ago a mother was 9 times age old age her son, माने कौन एटा 9 times son रो केते age थी बसे ते बड़े, y minus 4 कौना मा रो बोयस होटा, पुआ रो बोयस होटा रो केते ना 4 वर्षो पूर्वे 9 गुड़ा थिला, तो याको simplify कले केते ही जिवो, this will become x minus 4 equals to 9y minus 36,
That implies x minus 9y equals to minus 32. एटा आसी गला तमरो इक्वेशन 1 सेकंड इक्वेशन कोन देसी देखो 4 इयर्स लेटर माने 4 वर्ष परे मारो वयस केते हि जीवो x plus 4 ओके मारो वयस 4 इयर्स लेटर हर एज विल बी 8 इयर्स मोर देन 3 टाइम्स 3 गुणा रो 8 वर्ष अधिक तो 3 गुणा कहारो पुअरो एज 4 वर्ष परे केते हि जीवो y plus 4 ताठु आउ 8 अधिक पचारिछि सी ओके तो एटा केते आसी गला तमरो देखो याकू सिंपलीफाई करले आसीबो तमरो x ओके x plus 4 equals to 3y plus 12 plus 8 ओके तो एटा केते आसीबो तमरो दिस विल बिकम x minus 3y equals to 16 एटा आसी गला तमरो इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 आउ 2 को सॉल्व करले तमरो आराम से करना x और y रो वैल्यू काट जीवो तो समस्त निजे कर परबो एटा आसी गला तमे पई होमवर्क एटा को दीटा को इक्वेशन को सॉल्व करिके x और y रो वैल्यू काडिबो देखिबो x रो वैल्यू आसीबो 40 इयर्स और y रो वैल्यू आसीबो 8 इयर्स ओके नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन आजरो लास्ट क्वेश्चन कोन दिछि देखो टू फेयर डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ ऑन देयर फेस ऑब्टेन इज 6 ओके तो देखो जते बेले आमे दीटा डाइस को रोल करूछु सैंपल स्पेस केते आसीबो 6 रो स्क्वायर इक्वल्स टू 36 ओके नेक्स्ट हमरो फेवरेबल इवेंट कोन हे गलो तमरो सम ऑन द फेसेस ऑब्टेंड इज केते ना तमरो 6 ओके तो देखो कोन कोन हे परबो देन तमरो ई सेट रे केते आसीबो 1 5 नै परबा आउ कोन हबो 2 रे हे गला 2 4 3 रे आसीबो 3 3 नेक्स्ट कोन 4 रे हे गला 4 2 आउ 5 रे हे गला तमर कोन ना 5 1 एति की नै तमर सैंपल स्पेस रु तमर फेवरेबल इवेंट एति की नै अछि ओके तो देखो एबे कोन आसीला हम कोन काढिबा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माने कोन n ऑफ ई डिवाइडेड बाय n ऑफ s n ऑफ ई केते गला 1 2 3 4 5 तो केते आसीला ना 5 बाय 36 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर सो क्वेश्चन नंबर 50 रो ऑप्शन नंबर 2 will be the correct answer. Clear? आजी तमरो 40 टा question discussion करला. Upcoming classes रे बाकी तमरो 50 रु 70 जे question discussion करबा. यार सब question गुडा total question set पुरा को मु Telegram group रे दे दीछि. Telegram group रो लिंक तमन को description रे मिलि जइबो. आशा करछि आजरो class समस्त को भल लागथिबो ओ helpful मध्ये रहिथिबो. तबे निश्चय channel को subscribe करबो ओ सांगमान को सहित share करबा सह like टि मध्ये करबो. Thanks for watching the video.